तो फोटो डायोड क्या चीज है? फोटो डायोड एक डायोड है या पीएन जंक्शन डायोड फोटो डायोड की तरह काम करता है। फोटो डायोड है, जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी, फोटोन इसके ऊपर गिरेंगे, तो फोटोन्स की एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। और एक और डायोड है या पीएन जंक्शन एक्ट करता है एक और डायोड की तरह, जिसको एलईडी बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। तो दो किस्म के डायोड हम करेंगे, एक फोटो डायोड, एक लाइट एमिटिंग डायोड। फोटो डायोड में फोटोन गिरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लाइट एमिटिंग डायोड में इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और फोटोन जनरेट होते हैं, उल्टा काम है। तो फोटो डायोड में हम लाइट को घेरते हैं, फोटोन गिर रहा है और यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर एंड प्रोवाइडेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो। इसके ऊपर एक विंडो ग्लास की लगी होती है ताकि इसके ऊपर लाइट को घेरा जा सके। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें। फोटो डायोड हमेशा यूज किया जाता है इन रिवर्स बायसिंग। तो याद रखें, जीनर डायोड यूज किया जाता है इन रिवर्स बायसिंग ब्रेकडाउन मोड में, फोटो डायोड यूज किया जाता है इन रिवर्स बायसिंग, और लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी यूज किया जाता है इन फॉरवर्ड बायसिंग। ये पूछा जाता है। तो जीनर डायोड हमने कर लिया, कैसे काम करता है रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन पे। फोटो डायोड कैसे काम करता है रिवर्स बायसिंग में, क्यों करता है, इसका आंसर दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले, अगर ये पेपर में आया तो आपने जरूर लिखना है बोल्ड में कि फोटो डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में काम करता है। इसको अंडरलाइन भी करना है। और क्या करता है फोटो डायोड, ये मेंशन करना है कि जो लाइट को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर आपने इसका ये डायग्राम बनाना है फोटो डायोड का, जिसमें आप पीएन जंक्शन ड्रॉ करेंगे, फोटोन गिरता हुआ दिखाएंगे और एक बैटरी लेंगे और एक एम मीटर लेंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें ये रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में फोटो डायोड में ना मात्र करंट है, बिल्कुल ना के बराबर करंट है। रिवर्स करंट होते ना, बिल्कुल काउंट भी नहीं होता वो। तो जब फोटोन्स गिरते हैं, फोटोन्स जंक्शन के ऊपर गिरे जाते हैं, जंक्शन पे जब फोटोन्स गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिलीज होते हैं, सेमीकंडक्टर का बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और होल्स भी रिलीज होते हैं, तो चार्ज कैरियर रिलीज होते हैं। जब चार्ज कैरियर रिलीज होते हैं तो करंट एकदम बढ़ जाता है। वो करंट कौन डिटेक्ट करता है? एम मीटर डिटेक्ट करता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, फोटोन की एनर्जी से हमने बॉन्ड्स को ब्रेक किया, सेमीकंडक्टर के बॉन्ड्स को ब्रेक करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। बस यही इसका काम है। तो ये दिख रहा है इसमें फोटोन आए, ये रिवर्स बायसिंग है, पी विद नेगेटिव एन विद पॉजिटिव, ये शो करनी है हमने रिवर्स बायसिंग। और फिर आपने क्या करना है, दो चार लाइनें लिखनी है एक्सप्लेनेशन में। क्या लिखना है आपने इसमें, ये लिखना है कि जब एक फोटो डायोड लिया जाता है, उसके ऊपर फोटोन घेरा जाता है, फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, जो कि ज्यादा होनी चाहिए बैंड गैप एनर्जी ईजी ऑफ अ सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए तभी फोटोन जो है इसके ऊपर गिरता है। तो फोटोन गिरा, एनर्जी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो सिलिकॉन के जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और जैसे ही वो जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अपने वर्ड में लिख देना तो भी चलेगा। फिर आपने इसमें क्या लिखना है, आपने इसमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, आई वर्सेस वी करेक्टरिस्टिक्स। करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में, जो रिवर्स करंट होता है माइक्रो एम्पियर होता है, और जो फॉरवर्ड करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो आपने करेक्टरिस्टिक्स बनानी है कि अगर मान लो लाइट की, फोटोन की इंटेंसिटी ज्यादा है, कम है, कम है, कम है, तो इस तरीके से जो है रिवर्स बायसिंग में जो करंट है वो ऐसे होता है। तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, फोटोन की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा करंट है, कम है तो कम करंट है, कम है तो कम, कम है तो कम। तो आपने फोटो डायोड के बारे में जब लिखने को आएगा तो पहला रूल आपने ये लिखना है, फोटो डायोड है क्या, फिर बोल्ड में लिखना है रिवर्स बायसिंग में काम करता है, फिर आपने ये सिंबल बनाना है इसका, फिर आपने ये डायग्राम बनाना है इसका, फिर आपने चार लाइनों में अपने वर्ड में लिख देना है आपको, आपकी फोटोन की एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपने लिखना है कि जब फोटोन गिरता है तो, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में डायोड है तो इसमें करंट जनरेट होता है, रिवर्स बायसिंग के करंट को रिवर्स करंट बोलते हैं, पर फोटो डायोड के करंट को हम क्या बोलते हैं, डार्क करंट बोलते हैं। डार्क करंट अंडरलाइन कर लें, लिख देना बोल्ड में, डार्क करंट, रिवर्स करंट या डार्क करंट है। फिर आपने इसकी करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, ये रही करेक्टरिस्टिक्स, दो नंबर में आएगा, दो नंबर में बोलते हैं सफिशियंट है, मतलब पेज भी तो भरना है ना, ये थोड़ा कि एक लाइन में लिख के आ जाना है। तो ये सारी चीजें लिखेंगे तो अपने आप आपको नंबर मिलेंगे।
और मेंस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्टरिस्टिक्स बहुत आती हैं पेपर में, तो ये मार्क करने को आएंगी, ग्राफ मार्क करने को आएंगे, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, करेक्टरिस्टिक देखती पता लीजिए कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक।